और मध्य प्रदेश में ऑफलाइन ही परीक्षाएं होंगी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब दे दिया है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश सामने आया। कोरोना संक्रमित या संदिग्ध होने पर छात्रों को दूसरा मौका दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। और ये भी बता दें कि सरकार को इस बात को लेकर निर्देश सामने आ गए हैं कि संक्रमण को रोकने के लिए सारे इंतजाम किए जाएंगे। सरकार का ये निर्देश है। हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब सुनने के बाद याचिका का निराकरण किया है। याचिका में कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की गई थी। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने ये याचिका दायर की थी। ऑफलाइन परीक्षा करवाने की मांग को लेकर इस याचिका में जिक्र किया गया था। दिसंबर में राज्य शासन ने आदेश दिए थे सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कि ऑफलाइन परीक्षाएं की जाएं सभी महाविद्यालयों की। इसके संबंध में हमने इन आदेशों को चुनौती दी थी माननीय उच्च न्यायालय में, जहां पर उच्च न्यायालय ने कल नोटिस जारी करते हुए राज्य शासन को एक दिन की मोहलत दी थी और जवाब मांगा था कि आखिर ऐसी गंभीर कोरोना संक्रमण की स्थिति में क्यों परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं। आज उसकी सुनवाई हुई, जिसमें राज्य शासन ने बताया कि उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें जो भी छात्र परीक्षाओं से अपनी बीमार होने की वजह या कोविड की वजह से छूट जाएंगे, उनके लिए 15 दिनों बाद फिर से एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी।